देखिए अपने बटन दो After the peak of second wave, I decided to explore Ladakh, as have I always dreamed. And I always wanted it to be a hitchhike journey. It took me a while to set my mind, but finally I crept out of this rat race. On the morning of 6 June, I packed my backpack and went along the road and began this incredible expedition. This is the first vehicle that I witnessed, and I was so happy about it. Along this journey, I switched several vehicles and covered countless distances on foot. Also, I met different people and saw different deeds. There were sceneries which left me speechless. मुझे पता नहीं मैं कहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन मैं जब मैं पहले पहुँच जहाँ पे मैंने मतलब मेरा जो पहला ट्रक रुका था वो स्टॉप था फरुना। फिर इसके बाद मैं फरुना में थोड़ा वेट किया, मतलब थोड़ा दुकान से सामान लाया और थोड़ा रेस्ट किया वहाँ पे, फिर से चलने लगा। अभी मैं पहुँचा हूँ पता नहीं कहाँ पे। यहाँ पे घर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब ने मतलब खेती बाड़ी का किया हुआ है और खेत बहुत सारे यहाँ पे। मैं अब क्या ही बताऊँ भाई, कहर मज़ा, कहर ज़बरदस्त मज़ा, ज़बरदस्त भाई। आप लोगों को मैं कुछ दिखाऊंगा, देख क्या मतलब ऑसम पैरानोरमिक व्यू है यार, क्या बोलते हैं ऑसम यार। देखिए आप वहाँ उस साइड दिख रहा है आपको, वहाँ पे ग्लेशियर और यहाँ पे माइनिंग चल रहा है, यहाँ पे माइनिंग एरिया है। और इस जगह का मुझे कुछ ख़ास पता नहीं है कि जगह को क्या बोलते हैं, लेकिन ये फरुना के बाद आता है। और साइड से वहाँ से सूर्य रिवर चल रहा है, वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। और मस्त है यार, मस्त माँ कसम कहर मजा है। सोलो ट्रैवलिंग मीन्स मतलब एवरीथिंग यार, एवरीथिंग। पहुँच गए कहाँ पे, पन्नीखर में। मुझे यहाँ तक आना था, मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे। आने के लिए मुझे बस 8 घंटे लगे बस। ये है पन्नीखर, आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो पीछे घर दिख रहा है वो ये भूतिया घर है बोलते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कांड हो चुके हैं। और ये जो ऊपर उस साइड दिख रहा है वो पहाड़ और नून खुले कुन है कि नून है, दोनों में से एक है। और इसके पीछे एक पहाड़ है वो भी कुन है। और ये देखिए अपने पार्सल दो वेलकम करने के लिए आ चुके हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग सीनरी, बिल्कुल ये एक हॉन्टेड प्लेस है, आपको बताना चाहिए। कभी पर आग लगा था और कैसे आग लगा था दादा, मतलब वजह कुछ होगा? हाँ, लोगों ने बहुत रोस्ट किया था इसको। रोस्ट मतलब किस किस तरह से? ये बहुत हॉन्टेड प्लेस है ये वो। लेकिन पता नहीं क्या, हम वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, अचानक से आग जल गई तो हम भाग के गए इनके मालिक को बताने के लिए। फिर आके आग बुझा दिया, इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ के लड़के ना बहुत कमी नहीं है, सीधे 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 बोलूँ तो उन्हें उन्हें लगाया होगा इस घर को आग। उसके बाद जो रिमोट खेला है ना, फिर यहाँ के मतलब हर एक बंदों को डर लग गया अब तो। एक हॉन्टेड प्लेस है नहीं, वो ये पहले से हॉन्टेड था। अच्छा, इसमें अच्छा। फिर भी हम भी बैठने वाले हफ्ता तो विजिट करेंगे यहाँ पे, जाएंगे देखेंगे कैसे हॉन्टेड प्लेस है।
हम रात को भी बैठेंगे अगर आप चाहे तो। और क्या भाई देखना है, सुनरी देखना है, कहाँ दिखता है, बिल्कुल गोल्डन लैंड है, गोल्डन लैंड। और जो पीस और हारमोनी यहाँ पे जो है ना वो कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल पीस यार पीस। लेकिन जो अगर आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए तो प्लीज़ गंदगी यहाँ मत फेंकना, क्योंकि गंदगी को यार साथ में लेके जाना है, किसी जगह डंप करके जाना जहाँ पे लोग आग जला सके ऐसी तरह से। हाँ हर जगह बैरल लगे होंगे, आपको बताना चाहेंगे ये बिल्कुल गंदगी नहीं है, ये है पानी को रोकने के लिए ताकि खेतों में पानी जा सके। और अच्छा इसको ये इसके बारे में बता क्या बता रहे हैं मतलब और क्या ही बताएं, क्या माँ की क्या सुन यार, वो नून है, वो नून क्या नून है, वो नून कौन कौन सा है, कौन कौन ये वाला है अभी दिख नहीं रहा। अच्छा कौन कौन इस पहाड़ के पीछे हम जाने वाले, इस पहाड़ की साइट पहाड़ से लंबा है मगर ड्यू टू क्या बोलते हैं उसको, हाँ पर्सपेक्टिव फिजिक्स तो पढ़ा ही होगा आपने, पर्सपेक्टिव की वजह से मतलब दिख नहीं रहा है अभी तो। हाँ जिस तरह से हम बैठे हुए हैं, बाकी वो नून और कुन जो है वो 7000, बाकी आप लोग लगा सकते हो साइन थीटा कोस थीटा 7000 मीटर मतलब 7 किलोमीटर से भी ऊंचा। क्या ही बताए भाई लोग, क्या ही बताए माँ की कसम, कहर मैं बोलता हूँ ना कहर कहर बिल्कुल जबरदस्त, मतलब भाई प्लीज लेकिन गंदगी नहीं फेंकना यार। जब मैं आया ना माँ की कसम मेरे पास बहुत सारी चीज़ें दिखाने की, मैंने खाया और लेकिन उसको मैंने डंप किया जहाँ करना चाहिए हमें मतलब डस्टबिन में, मुझे मतलब दिल से नहीं मतलब फेंकने का मन नहीं किया क्योंकि इस जगह को मतलब गंदगी। अभी देखिए कल परसों ही किया होगा क्योंकि इस पे पहले अभी मतलब यहाँ पे खेताबाड़ी चल रहा है अभी पहला, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक साल में एक बार ही क्रॉप उगाते हैं, और जो मतलब हमारे साइड है यहाँ मतलब मिंजी मेन करगिल साइड वहाँ पे मतलब एक बार क्रॉप उगा चुके हैं और बड़े भी हो चुके हैं, बस वहाँ पे मतलब दो बार साल में दो बार क्रॉप उगाते हैं हम, ज़्यादातर मतलब गेहूँ वेहूँ ऐसा भी उगाते हैं, चारे मतलब एनिमल के लिए, खुला एनिमल के लिए बस, हमारे लिए। बाकी क्या है यार, अभी ये फ़ोन अगर थोड़ा सा मतलब कैमरा होता ना अभी उनको दिखाता हूँ वहाँ से जूम करके, वहाँ पर जो सीनरी ना मार ठीक से नहीं दिख रहा है। अभी उस पहाड़ के पीछे एक बड़ा सा वाटरफॉल है लाइक उसके पहाड़ के नहीं है, और फिर इस पहाड़ के मतलब जो फोल्ड है ना उसी में, किस पहाड़ के ये जो है ना ये पहाड़ और फोल्ड है ना मतलब वो पहाड़ और छोटा वाला। अच्छा 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 मतलब अब समझ रहे हो ना यार, जन्नत जन्नत मतलब जन्नत पता है ना आपको, जन्नत अब अज्यूम करता होगा ड्रीम में कि जन्नत कैसा होगा, वही है बस वही है। और अभी तो हम बंद करते हैं, अभी हमें कहाँ जाना पता है, मतलब हमें जो गायें वाये होते हैं उनको ऊपर लिया होते हैं मतलब पहाड़ में गाय चराने के लिए, तो वो लोग अभी वापस आ रहे हैं, तो हमें इब्राहिम का जो गायें हैं उसको लाने के लिए जाना है। दिखा दे गाय को।